हेलो एवरीबॉडी माय नेम इज़ आरजूगौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल तो जी जो आज की वीडियो है वो जीटीई के ऊपर है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ तो जिस जिसने ने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके देखो तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने आर एम आई टी यूनिवर्सिटी जो मेलबर्न में है ऑस्ट्रेलिया में उसमें मास्टर ऑफ डेटा साइंस के लिए अप्लाई किया है और उस वीडियो में मैंने अपना लाइव फुटेज लगाया है जो मेरा इंटरव्यू हुआ था यूनिवर्सिटी पैनल के साथ तो जिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो जाकर देखो तो आप सबको पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आते हैं एंड व्हाट आंसर्स यू शुड गिव टू गेट इट क्लियर तो जी आ, मेरा मैं शुरू से बताऊंगी कि जो जब मैंने मास्टर ऑफ डेटा साइंस में अप्लाई किया ठीक है तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए उसमें थे मेरे सारे ट्रांसक्रिप्ट्स यानी कि टेंथ ट्वेल्थ और फिर मेरे ग्रेजुएशन के सारे ट्रांसक्रिप्ट्स और उसके बाद जो मेरा गैप है डेढ़ साल का उसमें मैंने एक आई कंपनी में जॉब किया है तो उसके ऑफ़र लेटर से लेके कंफर्मेशन लेटर जो हमें मिलता है एक साल के बाद या जो भी फर्म के होते हैं कंफर्मेशन लेटर और मेरे सैलरी स्लिप्स और मेरे जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी मैंने अटैच किए थे डॉक्यूमेंट्स में तो विद इन अ वीक और सो या विदिन अ वीक मेरा जो ऑफ़र लेटर है वो आरएमआईटी यूनिवर्सिटी ने दे दिया था तो अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू जो हमारा यूनिवर्सिटी के साथ होता है जो यूनिवर्सिटी बैनर लेता है तो जैसे ही मेरा ऑफर लेटर आया मैंने इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट डाला तो आई गेस इट टुक ऑलमोस्ट फिफ्टीन डेज टू गेट इंटरव्यू यू नो दैट इंटरव्यू कॉल एक्सेप्टेड और मुझे इंटरव्यू कंफर्मेशन आया आफ्टर ऑलमोस्ट फिफ्टीन डेज तो उसमें आ, क्या प्रोसीजर था कि टीम्स ऐप पे वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और आ, जो आपका इंटरव्यू लेंगे उनका जो कैमरा होगा वो ऑफ होगा और वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको इंटरव्यू जो है वो कैमरे पे देख के देना है आपको कहीं भी आईज इधर उधर मूव नहीं करनी और जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो मैंने वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी मेरी लास्ट वीडियो उसमें सारे क्वेश्चन मैंशन हैं तो जी मेरा इंटरव्यू हो गया उसके बाद विद इन फोर्टी एट आवर्स मुझे कन्फर्मेशन आ गया था कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है राइट सो नेक्स्ट प्रोसीजर वॉज़ इंटरव्यू जब मेरा क्लियर हुआ तो उन्होंने मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर रिलीज कर दिया राइट right. तो मैं बताना चाहूँगी कि फ़ंड्स के लिए मैंने एजुकेशन लोन लिया है एजुकेशन लोन लिया है मैंने पीएनबी बैंक से लेकिन उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी पूरा अपना लोन प्रोसीजर एक्सप्लेन करके अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी डालूँ तो कॉमेंट बॉक्स में प्लीज़ रिप्लाई करना मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो वीडियो जल्दी ही डालूँ तो जब मेरा ऑफर लेटर आया था यूनिवर्सिटी से मैंने तभी ही बैंक में अप्लाई कर दिया था लोन के लिए मैंने अपील कर दी थी तो उसका मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में तो जब मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया तो मैंने अपना जो लोन का सेंक्शन लेटर है वो प्रोवाइड किया यूनिवर्सिटी को मेरे फंड्स का एक प्रूफ कि मेरे ये सो एंड सो फंड्स हैं जो मैं यूज़ करूँगी अपने ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए राइट उसके बाद आ, जब मैंने फ़ंड्स प्रोवाइड किए तो उनका जो कंफर्मेशन है फ़ंड्स का क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए तो यूनिवर्सिटी दे आस्क फॉर इट तो वो लोग मांगते गए उसमें पूरे मेरे डैड के आई लगे हैं फॉर्म सिक्सटीन लगा है ओके okay, और जो मेरे बैंक का सैंक्शन लेटर है वो लगा है तो क्या चीज़ें हैं तीन आईटीआर मोम एंड डैड की फॉर्म सिक्सटीन मोम एंड डैड का ठीक है और कम्पूटिशन तो जो आई टी आई की कम्पिटिशन है मेक श्योर यू हैव डैट कॉम्पिटिशन एज वेल और वो कम्पटेशन आपको सी ए प्रोवाइड करवा देता है राइट तो कॉम्पिटिशन और उसके बाद जो मेरा बैंक का सेंशन लेटर है ये लगा हाँ जी तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सेंशन लेटर प्रोवाइड किया जी टी ई के लिए तो जिस ब्रांच से मैंने लोन लिया है पीएनबी की उस ब्रांच मैनेजर के पास वेरिफिकेशन मेल गया है टू कंफर्म इफ़ आई हैव टेकन लोन फ्रॉम देम और नॉट उसके बाद वेरिफिकेशन मेल गया है मेरे एम्प्लॉयर के पास जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ और उन्होंने मेरी कंपनी के एसोसिएट डायरेक्टर को मेल लिखा है डायरेक्टली टू वेरीफ़ाई इफ आई एम वन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ और नॉट और उसमें सेट ऑफ Uh, एक क्वेश्चनर टाइप का होता है जो वो लोग पूछते हैं वे दे कन्फर्म डिटेल्स अबाउट द स्टूडेंट जिसमें एम्प्लॉय नंबर एंड फिर एम्प्लॉय का नाम फिर कॉम्पनसेशन जो वो हमें दे रहे हैं तो वो चीज़ वो कन्फर्म करने के लिए मेल में डालते हैं तो जब मेरी दोनों वेरिफिकेशन मेल अप्रूव हो के और वहाँ पे वापस रिसेंट हुई हैं uh, उसके बाद आई uh, गेस या विद इन टू थ्री डेज आई गॉट कन कन्फर्मेशन फॉर पेइंग द फ़ी राइट तो उन्होंने फीस पे करने के लिए कन्फर्मेशन भेजी और फिर मैंने वो फीस पे की और मैं आप सभी को बता दूँ द डे आई डिपॉजिटेड माय फ़ी उसके एक दिन के बाद यस यानी कि आज मैंने फी पे की और कल का दिन पूरा उसके नेक्स्ट डे राइट सुबह पाँच बजे मेरी सी ओ इशू हो चुकी थी तो या तो पूरा प्रोसीजर ऐसा ही गया ऑफर लेटर आया वन वीक में जी टी ई क्लियर हो गया टू डेज़ में इंटरव्यू भी क्लियर हुआ फोर्टी एट आवर्स में कंफर्मेशन आ गया था उसके बाद सी ओ ई का बाय फी पे करने के एक दिन के बाद तो ये था मेरा पूरा प्रोसीजर जी टी ई का आर एम आई टी यूनिवर्सिटी के लिए हाँ जी तो कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियो मेरे को कमेंट्स में सजेशंस देना प्लीज़ सजेशंस देना कि मैं और क्या वीडियोस बना सकती हूँ क्योंकि आई हैव लॉट टू शेयर बट आई डू नॉट नो व्हाट डू यू वांट मी टू शेयर तो वो मैं जानना चाहूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ओके थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए और कमेंट्स करो लाइक करो और जिनको भी ज़रूरत है वीडियो की जो लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेशली अप्लाई कर रहे हैं और मैं बता दूँ कि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और हरियाणा गुजरात एंड पंजाब आर इन रेड अलर्ट क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत पकड़े गए हैं बच्चों के और जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे थे वो इन रीजन्स के हैं तो एम काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है वीज़ा uh, प्रोसेस uh, में और इसलिए ही रिजल्ट्स डिले भी हो रहा है क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत uh, चल रही है और इंटरव्यूज़ भी ऑलमोस्ट हर बच्चे को इंटरव्यू आ ही रहा है एम की तरफ से तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेट Uh, और uh, सब कुछ शेयर करूँगी आप सबके साथ कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जिसमें uh, जो मेरा सी यू है वो इतना जल्दी आया और अपना लोन का भी एक वीडियो बनाऊँगी टिल देन बाय टेक केयर ऑल ऑफ़ यू मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बाय